Yes, good afternoon student. Today I am taking the 15th chapter and your chapter is aapka chapter kaun sa hai 15th chapter visualizing solid shape. आप 6th क्लास में 2D शेप्स और 3D शेप्स दोनों शेप्स के बारे में आपको बताया जाता है. 2D शेप्स क्या है? जो प्लेन फिगर में जैसे इस तरह की फिगर बनाया जाए, जैसे मैंने रेक्टेंगल फॉर्म किया और एक स्फीयर फॉर्म किया, ठीक है. एक मैंने रेक्टेंगल फॉर्म किया है और एक मैंने स्फीयर फॉर्म किया है. तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, और स्फीयर की सिर्फ साइड दे रखी. तो ये जो फिगर है जिसमें ओनली 2 डायमेंशंस हैं, 2 लेंथ और ब्रेथ ही गिवन है, और इसमें हमें स्फीयर में भी ये ब्रेथ भी सेम है क्योंकि स्फीयर के ऑल साइड्स आर इक्वल. दीस फिगर आर कॉल्ड द 2D फिगर्स. लेकिन 3D फिगर्स में हमारा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये फिगर ड्रॉ की और अगेन मैंने फिर से एक और स्क्वायर ड्रॉ किया और इसके कॉर्नर्स को मैंने मिला दिया, तो दिस इज द फिगर ऑफ क्यूब. क्योंकि मैंने 2 स्क्वायर लेके और उनको जॉइन करके मैंने ये फिगर बनाई है. दिस इज कॉल्ड क्यूब. अब 3D शेप्स में और तीसरी चीज क्या इंक्लूड हो जाती है? लेंथ है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ. एक हाइट जो है वो आपकी यहाँ पर हिडन थी, है ना. तो यहाँ पर तो 2 डायमेंशंस थी, लेंथ और ब्रेथ. यहाँ पर एक डायमेंशंस और आ गई, दिस इज द हाइट एंड दीज फिगर आर कॉल्ड द 3D फिगर्स, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ हम सॉलिड डिफरेंट सॉलिड शेप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सॉलिड शेप्स होती हैं और उनकी कौन से फ्रंट फेसेस होते हैं और कौन से बैक फेसेस. यहाँ पर ये हमारा जैसे फ्रंट फेस है, ये वाला लास्ट वाला बैक फेस है. ये अभी मैं बताती हूँ कौन सा लेफ्ट में है, कौन सा राइट में और कौन सा टॉप में और कौन सा बॉटम में. जैसे आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स देखते हो, वो 2 रेक्टेंगल को ज्वाइन करने से ये 2 रेक्टेंगल्स हैं, इनको ज्वाइन करने से जो फिगर बनी है हमारी, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड. ये जो फिगर है दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड में 2 रेक्टेंगल को ज्वाइन करने से जो फिगर बनी, दैट इज क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड का लेंथ है, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है. अब इसमें कितने एजेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं और कितने वर्टेक्स हैं, ये आपको कितने वर्टिसेस हैं, ये सारी चीजें मैं दोनों फिगर्स में पहले बता दूं, ठीक है. तो फेस हम कैसे काउंट करते हैं? जैसे आपके पास कोई बॉक्स दे रखा है तो उसका फ्रंट में फेस भी होता है, बैक में फेस होता है, इधर लेफ्ट में भी, इधर राइट में भी, ऊपर टॉप में भी और नीचे बॉटम में भी, ठीक है. तो ये तो इसका बॉटम फेस है, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है वो टॉप फेस है, ठीक है. ये हमारा बेस जो नीचे बॉटम वाला और ये टॉप, और उसके बाद ये लेफ्ट में और ये राइट में, और जो ये वाला फेस है ये बैक में है और ये वाला जो फेस है दिस इज द राइट फेस. ये सामने जो आता है, ठीक है, फ्रंट फेस जो है, दिस इज द फ्रंट फेस. तो यहाँ पर कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में? यहाँ पर 6 फेसेस है. कौन कौन से? एक तो ये बॉटम वाला, ये वाला फेस है पहले, ठीक है, और उसके बाद ये टॉप है. एक बॉक्स लेके देखो, उसका जो बॉटम है और टॉप है, पहले तो मैंने ये काउंट कर लिया, ठीक है. उसके बाद
कि ये जो साइड फेसेस हैं दो दे रखे हैं, ये राइट में और ये लेफ्ट में, ये हमारा राइट में दे रखा है और ये हमारा लेफ्ट में दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद ये बैक में जो फेस दे रखा है, ये बैक फेस है और ये जो सामने वाला है ये हमारा फ्रंट फेस है, ओके। तो कितने फेसेस हो गए, सिक्स तो फेसेस हो गए। और एजेस कैसे काउंट करते हैं, एजेस कैसे काउंट करते हैं, ये एक एज हो गया, ये दो, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व। तो कितने एजेस हो गए इसमें, ट्वेल्व एजेस हो गए। और वर्टेक्स कितने हो गए, वर्टिसेस कितने हो गए, ये जो कॉर्नर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, तो कितने वर्टिसेस हैं इसमें, एट वर्टिसेस। सेम इन द क्यूब आल्सो, क्यूब के भी सेम फेसेस होते हैं, सेम एजेस होते हैं, सेम वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉलिड शेप है, ये दो रेक्टेंगल को मिला के जो शेप बनी है दैट इज कॉल्ड द क्यूबॉइड, और दो इक्वल स्फीयर को मिला के जो फिगर मैंने सॉलिड बनाई है दैट इज कॉल्ड द क्यूब। इनके फेसेस एजेस और वर्टिसेस बोथ आर सेम। अब हम नेक्स्ट फिगर लेते हैं, नेक्स्ट फिगर मैं ले रही हूं, जैसे मैंने लिया था सिलेंडर, आपने घर में सिलेंड्रिकल फिगर देखी होंगी, जैसे ये सिलेंड्रिकल पाइप है, इसका नीचे जो एक बेस होता है वो भी सर्कुलर बेस, और ऊपर जो बेस होता है दैट इज ऑल्सो द सर्कुलर बेस, और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये कर्व्ड होता है, ठीक है। ये कौन सा फेस है, ये कर्व्ड है, ये हमारा जो इधर बीच में सेंटर में है ये कर्व्ड है और ये सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर फेस है और ये भी कौन सा फेस है, सर्कुलर फेस, ठीक है। दिस फिगर इज कॉल्ड द सिलेंडर। जैसे रोड रोलर है, ट्यूबलाइट है, ये हमारी किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। तो इसके दो तो सर्कुलर फेसेस हैं, दो कितने हैं, सर्कुलर फेसेस, और एक ये वाला जो फेस है इसी का फेस होता है, ठीक है। दिस फिगर इज कॉल्ड द सिलेंड्रिकल फिगर, ओके। तो अब हमारी नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट फिगर में बना रही हूं, यहाँ पर यहाँ मैंने बनाया स्फीयर। आपने जैसे बास्केटबॉल देखी होगी, वॉलीबॉल देखी होगी, ये सारी किस शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में, ये सारी किस शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, ठीक है। तो इसका एक ही फेस है, ये जो फेस है दैट इज द इज ओनली वन फेस, इसमें कितना फेस होता है, वो सारा वो सर्कुलर होता है, ओनली वन फेस इज देयर और वो सारा फेस जो है दैट इज इन द सर्कुलर शेप, ओके। अब हम फिगर बना रहे हैं प्रिज्म, या पहले मैं कोन ले रही हूं। कोन क्या होता है, जैसे बर्थडे कैप है या आइसक्रीम कोन लेते हो आप, तो ये इस शेप का होता है, दिस इज द कॉनिकल शेप। जोकर कैप है, जो भी इस शेप की मिलती है, दिस इज द कोन, कोन का ये वर्टेक्स है एंड दिस इज द, ये हमारा कर्व पार्ट होता है, कर्व होता है और ये हमारा सर्कुलर बेस है, ये हमारा सर्कुलर बेस है, सर्कुलर फेस है कोन में, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टेक्स है, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, और ये कर्व फेस है, ये वाला जो फेस होता है दिस इज कॉल्ड द कर्व फेस एंड दिस फेस इज कॉल्ड द सर्कुलर बेस। नीचे जो होता है, नीचे जो बेस होता है वो किस शेप का होता है, सर्कुलर, उसे प्लेन फेस भी बोलते हैं,
ये फिगर आपके बुक में बनी हुई है। और नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं प्रिज्म। नेक्स्ट फिगर है हमारी प्रिज्म। प्रिज्म हमारा किससे मिलकर बना है? जैसे मैंने यहाँ पर अगर उसका ट्रायंगुलर बेस है, आपने अपनी लैब में साइंस लैब में ये प्रिज्म देखा होगा। यहाँ पर एक और ट्रायंगल में फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है, और इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, और इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, और इसको मैंने इससे ज्वाइन, ठीक है। दिस इज द प्रिज्म, ये इसका बेस है जो नीचे ट्रायंगुलर बेस होता है, और ऊपर जो टॉप होता है वो भी हमारा क्या है, ट्रायंगुलर है। इट हैज टू आइडेंटिकल टॉप, दोनों जो टॉप होते हैं वो दोनों आइडेंटिकल है प्रिज्म में, ठीक है, बॉटम और टॉप विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये पैरेलल होते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो क्या है, पैरेलल है। और अदर फेस, एक फेस इसका क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो प्रिज्म की क्या डेफिनेशन हो गई, इसका ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है, ये बॉटम और टॉप ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों सेम शेप में, और इसकी जो साइड फेसिंग है ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और इसमें एक फेस जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर फेस है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, और कितने उस फेस में कितने, जैसे मैंने ये फिगर बनाई है तो इसमें दो तो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, दो तो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, और रेक्टेंगुलर फेस कितने हैं, एक तो ये वाला हिस्सा रेक्टेंगुलर हो गया, और एक आपका ये वाला हिस्सा रेक्टेंगुलर हो गया, और एक आपका ये वाला हिस्सा रेक्टेंगुलर हो गया। तो तीन जो है रेक्टेंगुलर फेसेस हो, ठीक है। और इसमें जो एजेस होते हैं, एजेस कितने हैं, एजेस काउंट करो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, एट एंड नाइन। तो कितने एजेस हो गए, नाइन एजेस हो गए, ठीक है, नाइन एजेस हो गए। और वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस काउंट करो, वर्टिसेस काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ये जो मैंने डॉट डाले हैं ये क्या है, इसके वर्टिसेस है। तो कितने फेसेस हो गए, कितने वर्टिसेस हो गए, इसमें सिक्स वर्टिसेस हो गए। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। और एजेस कैसे काम किया, एजेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ठीक है, ये हमारे क्या है, एजेस। और फेसेस कैसे काम किए, दो नीचे का बेस वो भी ट्रायंगल, ऊपर का जो टॉप है वो भी ट्रायंगुलर, और उसके बाद जो उनको जॉइन करता है वो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो तीन इसमें क्या आते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस आते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रिज्म। अब है पिरामिड। अब है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, इसका इसका जो वर्टेक्स है, वर्टिसेस जो होता है, पिरामिड इज ए सॉलिड इन विच द वर्टिसेस ऑफ वन फेस, इसका जो वर्टिसेस है वन फेस का, ठीक है, और बाकी जो फेसेस होते हैं वो ट्रायंगल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो फेस है, दिस इज कॉल्ड द बेस, ये हमारा बेस है, और बाकी जो वन वर्टेक्स है इसको जिससे ज्वाइन कर रहे हैं ये सारे ट्रायंगुलर बनेंगे, ये सारे क्या बनेंगे, हमारे ट्रायंगल, ठीक है। ए पिरामिड इज ए सॉलिड इन विच द वर्टिसेस ऑफ वन फेस, वन फेस कॉल्ड बेस आर जॉइंड बाय द एजेस टू वन अदर वर्टेक्स,
कॉल्ड कॉमन वर्टेक्स, इसे हम कॉमन वर्टेक्स भी कहते हैं। ये एक वर्टेक्स से जॉइन होता है, ये कॉमन वर्टेक्स होता है। ये सारे जितने भी ट्रायंगल्स थे, ये जो बेस का भी जो वर्टेक्स था, ये इस कॉमन वर्टेक्स के साथ ये सारे जॉइन हो गए, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड द, दिस शेप इज कॉल्ड द पिरामिड, ठीक है। अब पिरामिड में कितने फेसेस होते हैं और कितने एजेस होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं, तो हम काउंट करते हैं कितने फेस हैं। एक तो ये वाला फेस हो गया ट्रायंगुलर फेस, एक ये वाला फेस हो गया, ये भी ट्रायंगुलर है, एक ये सामने वाला फ्रंट वाला फेस हो गया, ये भी ट्रायंगुलर है थी, और एक ये जो बेस वाला था वो भी क्या था, ट्रायंगुलर था। तो चार फेस हो गए और चारों के चारों कौन से फेसेस हैं, ट्रायंगुलर फेसेस, ठीक है। उसके बाद एजेस कितने हैं इसमें, एजेस हैं इसमें सिक्स, ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो कितने एजेस हैं इसमें, सिक्स एजेस। और वर्टिसेस कितने हैं, वन टू थ्री एंड फोर, तो कितने वर्टिसेस है इसमें, फोर। दिस फिगर इज कॉल्ड द पिरामिड, इसे हम क्या कहेंगे, पिरामिड। अब हमारी नेक्स्ट फिगर जो है वो है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, ये एक स्पेशल ट्रायंगुलर पिरामिड होता है जिसके बेस और ऑल फेसेस, जिसका बेस भी और जो बाकी फेसेस है वो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रॉन। उसकी स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो एक टेट्राहेड्रॉन के जो बेस होता है और बाकी सारे ऑल फेसेस होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेम साइज में होते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। अब हम नेट कैसे ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज नेट। ये जो मैंने अभी क्यूब बनाया, नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप, थ्री डी शेप के लिए आप नेट कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपने अभी 3D और 2D शेप्स जो हैं वो आपने आइडेंटिफाई की कि 2D शेप्स और 3D शेप्स किस किस तरह की होती हैं, और उसके मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे क्यूबॉइड का मैंने एग्जांपल दिया, उसके कितने फेसेस होते हैं, सिक्स होते हैं। क्यूब जो मैंने बनाया था उसके भी कितने फेसेस होते हैं, सिक्स होते हैं। और ट्रायंगुलर पिरामिड है तो उसमें चार ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, और सिलेंडर है तो उसमें टू सर्कुलर बेस होती है, और जो कोन होता है उसका एक सर्कुलर फेस होता है। जैसे मैं एक बार फिर से बताती हूँ, जैसे मैंने ये क्यूबॉइड बनाया, ठीक है, ये मैंने बनाया क्यूबॉइड, और ये मैंने दो स्फीयर को ज्वाइन करके जो फिगर बनाई है, दैट इज कॉल्ड क्यूब। Identical, दोनों मैंने जो स्फीयर ज्वाइन किए हैं वो दोनों आइडेंटिकल थे, ठीक है, बराबर थे, सेम थे। और ये भी जो दो रेक्टेंगल लिए, ये सेम लेंथ ब्रेथ और हाइट के लिए, और इनको ज्वाइन किया तो दिस फिगर इज कॉल्ड द क्यूबॉइड एंड दिस इज कॉल्ड द क्यूब। इसमें सिक्स फेस थे और इसमें जो फेसेस थे वो भी सिक्स थे, ठीक है। उसके बाद मैंने पिरामिड बनाया, एक ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया तो उसमें फोर ट्रायंगुलर फेसेस थे, और एक सिलेंडर बनाया तो उसमें दो सर्कुलर फेसेस थे, और एक कोन बनाया तो उसमें एक जो था वो कर्व फेस था। तो ये सारे मैंने बनाए। अब इनको नेट से हम कैसे शो करते हैं, अगर मुझे इसे ओपन करना है तो मैं इसे कैसे ओपन करूंगी। मैंने कहा था कि ये वाला जो फेस है ये फ्रंट फेस है, ठीक है, और फ्रंट फेस से ऊपर का टॉप फेस ऐड है, और इधर से राइट फेस ऐड है, और इधर से लेफ्ट फेस ऐड है। नेट जो है वो कई तरह से, आप किसी क्यूब को, क्यूबॉइड को, किसी कार्डबोर्ड को अगर ओपन करते हो तो बेस को, ये मान लो ये बेस है,
इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। जब मैंने इसे ओपन किया तो मैंने पहली फिगर जो है बेस ड्रॉ की, ये यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये मैंने पहले बेस ले, मैंने ओपन करना है, नेट ड्रॉ करना है, तो ये मैंने बेस ले लिया, ठीक है। उसके बाद बेस के बाद ये जो बैक फेस था ये ऐड था, और इधर से ये बेस के साथ हमारा ये राइट पोर्शन ये वाला ऐड है, और इधर से बेस के साथ ये लेफ्ट वाला भी ऐड है, ठीक है। तो बेस के साथ मैंने इधर तो राइट वाला मैंने बना दिया, ये राइट फेस ओपन किया मैंने, यहां से जब मैंने ओपन किया तो राइट फेस ओपन हो गया, यहां से जब मैंने ओपन किया तो लेफ्ट फेस ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बेस के साथ ये बैक फेस भी लगता था तो मैंने बैक फेस भी ओपन कर दिया, और ये जो सामने वाला था वो इसका फ्रंट फेस था, ये मैंने फ्रंट फेस भी ओपन कर दिया। अब कितने फेस हैं? इसके सिक्स फेसेस हैं, एक बैक ओपन हो गया, फ्रंट हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये था हमारा बेस, ठीक है। और कौन सा रह गया? हमारा टॉप फेस। टॉप फेस जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? टॉप फेस जो है वो हमारा बैक के साथ भी टॉप फेस जुड़ा हुआ है, तो एक फेस जो है पहले टॉप बना देते हैं फिर हम बैक बना, तो उसको हम किसी भी तरह से ओपन कर सकते हैं ना, चाहे मैं राइट के साथ भी उसको पहले टॉप ओपन कर दूंगी और फिर राइट ओपन कर दूंगी, ठीक है। तो एक नेट ओपन करने का, एक मैंने हमें बोर्ड को ओपन करना है, कार्डबोर्ड को, तो मैं किस तरह से उसे ओपन करूंगी? देयर आर सो मेनी मेथड्स, ऐसा तो नहीं है कि पहले मैं उसका टॉप का ही ओपन करूंगी, मैं पहले साइड फेसेस भी उसके दोनों निकाल सकती हूँ, फिर उसका टॉप फेसेस और फिर उसका बैक फेसेस और फिर इसका फ्रंट फेस। तो ये जो नेट बनाते हैं हम 3D शेप्स का, वो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये हम कार्डबोर्ड एक लेके इसकी एक्टिविटी करके देखना कि उसकी कितनी शेप्स जो हैं हम किस तरह से उसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ये नेट ऑफ ए क्यूब दे रखा है, तो एक अगर हमने क्यूब को ओपन किया है तो एक नेट ऑफ ए क्यूब बना रखा है, देखो ये मान लो उसका बेस है, तो ये बेस के ऊपर आ जाएगा टॉप, और ये दोनों साइड कवर हो गए, लेफ्ट और राइट हो गया, ठीक है। और ये उसके पहले टॉप पे आ जाएगा, फिर ये उसको आपस में क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो ये क्यूब का एक नेट ड्रॉ किया हुआ है यहाँ आपकी बुक में, ऐसे ही ट्रायंगुलर प्रिज्म का नेट ड्रॉ कैसे करना है, और एक पेंटागोनल प्रिज्म में क्या होता है, नीचे जो बेस होगी वो फाइव साइड होंगी और ऊपर का जो टॉप होगा वो भी, वो जो प्रिज्म है उसका कोई जरूरी नहीं है कि बेस ट्रायंगुलर शेप में ही हो, वो आपका रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, पेंटागोनल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, फिर उसका टॉप जो होगा वो भी उसी शेप का आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको नेट कैसे ड्रॉ करना है, ये आपने नेट ड्रॉ करने है अपने आप। और फिर उसके बाद आपकी 15.1 एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है मैच की फॉलोइंग, तो आपने कौन सी फिगर को किसके साथ मैच करना है, जैसे जो ये फिगर बनी हुई है आपकी फर्स्ट, इसे हम कहते हैं प्रिज्म, ये क्या है आपका प्रिज्म, और
ये जो शेप बनी हुई है दिस इज कॉल्ड द सिलेंडर, आपने उसको मैच करना है उसी के साथ, और क्यूब तो मैंने बहुत बार बना दिया है, दिस इज कॉल्ड द कोन, ठीक है। उसके बाद ये है पिरामिड और फिर है आपका स्फीयर, तो ये आपने मैच करने हैं सारे क्वेश्चन कि किस तरह से आपने पहला क्वेश्चन 15.1 एक्सरसाइज का वो आपका मैच करना है सारे फिगर्स, ठीक है। ये है पिरामिड आइडिया। उसके बाद है आप स्केच कैसे ड्रॉ करते हो, ब्रिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच। ऑब्लिक स्केच स्केचेस और आइसोमेट्रिक स्केचेस, ये आप किस तरह से ड्रॉ करते हो। पहले ऑब्लिक स्केच आपका होता क्या है पहले उसके बारे में बताती हूँ। जैसे कुछ चीजें, जैसे मान लो आपने क्यूब ही ड्रॉ किया, तो आपको कई बार क्यूब ड्रॉ करते समय उसके कुछ फेसेस तो नजर आते हैं और कुछ फेसेस आपको नजर नहीं आते, ठीक है। तो आप उस ऐसे स्केचेस को क्या कहते हो, ऑब्लिक स्केच होता है, लेकिन उसको ड्रॉ करने के मेथड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह दिया जाए कि ड्रॉ द ऑब्लिक स्केच ऑफ, ऑब्लिक स्केच ऑफ थ्री यूनिट ऑन स्क्वायर पेपर, आपका जो ग्राफ वाला पेपर आता है स्केल पेपर, आप उसके ऊपर किस तरह से ड्रॉ करते हो। तो आपने पहले थ्री यूनिट का ग्राफ जो है, पहले आप एक स्केल, मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर देती हूँ जिसमें स्केल ड्रॉ कर और इक्वल लेंथ पे ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद हम ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक प्लेन फिगर बना देंगे, थ्री यूनिट की एक फिगर बना देती हूँ मैं। पहले प्लेन फिगर ड्रॉ करें, ठीक है। तो पहले मैंने प्लेन फिगर ड्रॉ कर दी, 1, 2 और 3 इस तरह से, और यहाँ पर भी 1, 2, 3 इतना लेके मैंने एक प्लेन फिगर ड्रॉ किया, ठीक है। पहले इसको डार्क कर देती हूँ मैं, ठीक है। पहले मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, अब बराबर एक यूनिट छोड़ के ये मैं थोड़ा सा और एक पोर्शन बना देती हूँ ऊपर, अब ये एक यूनिट यहां से छोड़ के ना मैंने बराबर 1, 2, 3 दोबारा से ले लेना है, और यहाँ पर भी 1, 2, 3 ले लेना, ठीक है। अब क्या करना है, इसके जो कॉर्नर है, एडजेसेंट कॉर्नर जो है उनको आपने मिला देना, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो दो मैंने सॉलिड क्यूब, एक तो मैंने ये वाला क्यूब बनाया है और एक मैंने फिर से एक यूनिट यहां से छोड़ के फिर दोबारा मैंने एक क्यूब बनाया है, और इन दोनों एडजेसेंट कॉर्नर को मैंने क्या कर दिया है, जॉइन कर दिया है, एंड दिस इज द शेप ऑफ क्यूब। क्योंकि मेरे को 3 यूनिट का बनाना था तो मैंने 3 यूनिट लिया है। तो पहले मैंने रफ एक स्क्वायर बनाया और फिर एक यूनिट यहाँ से छोड़ के और 3 यूनिट और काउंट कर दिए, दिस इज द ऑब्लिक स्केच ऑफ, क्या है ये ऑब्लिक स्केच ऑफ, आपका क्यूब का ऑब्लिक स्केच मैंने बनाया है, और एक्चुअल मेजरमेंट क्योंकि यहाँ पर नहीं लिया गया तो मैंने यहाँ पर स्केल पेपर के ऊपर बना के दिखाया। अब आइसोमेट्रिक स्केच क्या होते हैं, आइसोमेट्रिक स्केच शीट जो है वो आपकी बुक में दे रखी है, डिवाइड द पेपर इंटू जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें दी हुई है,
an isometric sheet divide the paper into small equilateral chamber. वो किससे बनते हैं? डॉट से बनते हैं, मेड अप ऑफ द डॉट और लाइंस. तो आइसोमेट्रिक स्केच क्या कहते हैं? ए स्केच ऑफ द 3D शेप इन विच द मेजरमेंट ऑफ द साइड आर प्रोपोर्शनल टू देयर एक्चुअल लेंथ. जो उसकी एक्चुअल लेंथ के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, देन इट इज कॉल्ड द आइसोमेट्रिक स्केच. तो अगर मुझे क्यूब ही आइसोमेट्रिक स्केच के ऊपर क्यूब ड्रॉ करना है तो हाउ आई विल ड्रॉ इट? आइसोमेट्रिक स्केचेस में कैसे ड्रॉ करती हूँ? एक क्यूब को आइसोमेट्रिक स्केच पर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हमें डॉट लेने पड़ेंगे. जैसे ये आपकी बुक में गिवन है, हमें इस तरह से डॉट लेने पड़ेंगे, राइट? तो हमें पहले यहाँ पर इस तरह से 3 यूनिट का और यहाँ से भी 3 यूनिट का क्या लगाना पड़ेगा? डॉट लगाना पड़ेगा. ये डॉट वाला एक पेजेस ले लेना. फॉर द टॉप इज ड्रॉ द रोम्बस ऑफ द 3 यूनिट हुज साइड्स आर फॉर्मड बाय जॉइनिंग द टॉप 3 एंड्स ऑफ 3 वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स. दस उससे हमें क्या मिल जाएगा? ये आइसोमेट्रिक स्केच मिल जाएगा. पहले ये मैंने ड्रॉ कर दिए इक्वल 3 यूनिट का, यहाँ पर भी 3 यूनिट, यहाँ पर भी और अगेन 3 यूनिट. और फिर मैं टॉप फेसेस को क्या कर दूंगी? ज्वाइन कर दूंगी. तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आइसोमेट्रिक स्केच बन जाएगा, ठीक है? तो ये आपने ऑब्लिक स्केच अगर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हाइट का, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये आपकी हाइट है. अगर ओब्लिक स्केच ड्रॉ करना है तो किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं? एक स्क्वायर पेपर लेना है और स्क्वायर पेपर के ऊपर आपने किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है, ओब्लिक स्केच. और अगर आपने आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है और ये हाइट है, तो किस तरह से ड्रॉ करोगे? पहले आप लेंथ ले लोगे कितना, ये डॉट काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से काउंट करना है. फिर आगे यहाँ पर 3 यूनिट की हाइट थी तो ये 3 यूनिट की हाइट ले ली. और ब्रेथ जो है इसके एडजेसेंट में जाना है साइड में, वो भी 1, 2, 3 ले लिया और फिर अगेन हाइट काउंट कर ली. और यहाँ से भी ये 5, ये 3, तो इस तरह से ज्वाइन कर देना है. और ऊपर के टॉप फेसेस जो हैं वो ज्वाइन कर दोगे तो आपका ये क्या ड्रॉ हो जाएगा? आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ हो जाएगा. तो इस तरह से आपने आइसोमेट्रिक स्केच कैसे ड्रॉ करना है और ये ऑब्लिक स्केच किस तरह से ड्रॉ करना है, ये दोनों आपकी बुक में भी गिवन है. तो इसी तरह से आपने एक्सरसाइज 15.3 जो आपके ये क्वेश्चन गिवन है कि किस तरह से आपने आइसोमेट्रिक स्केच जो है वो ड्रॉ करने हैं, यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, ओके? अब आपका जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ सॉलिड शेप्स को, जैसे मैंने क्यूब बनाया और मैं अगर उसे वर्टिकल काट देती हूँ और हॉरिजॉन्टल कट कर देती हूँ, तो इनको काटने के बाद मुझे कौन सी फिगर मिलती है? ये मैंने क्यूब बनाया, पहले दो स्क्वायर को ज्वाइन करने से, दो इक्वल स्क्वायर को ज्वाइन करने से जो फिगर मिली है ये मेरी क्यूब है. तो जब मैंने इसे वर्टिकल कट किया यहाँ, तब मुझे कौन सी फिगर मिलेगी? और अगर मैंने इसे हॉरिजॉन्टल कट किया यहाँ से, तब मुझे कौन सी फिगर मिलेगी? तो वर्टिकल कट करने से भी स्क्वायर फिगर मिलेगी. अगर आप कोई भी एक स्क्वायर वाला जो अगर क्यूब वाला फिगर दे रखा है उसको कट करके देखना, वर्टिकल सीधा भी कट करके देखना और हॉरिजॉन्टल इस तरह से भी कट करके देखना, तो दोनों ही टाइप में आपको दोनों ही कट में स्क्वायर फिगर मिलेगी आपको. और ऐसे ही अगर मैं क्यूबॉइड को अगर मैं कट कर देती हूँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल कट करने से और हॉरिजॉन्टल कट करने से दोनों फिगर जो
जो मिलेंगी वो रेक्टेंगुलर मिलेंगी, दोनों फिगर की जो शेप होगी वो क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। ऐसे ही अगर मैं सिलेंडर को कट कर देती हूँ बीच में से, अगर मैं वर्टिकल कट करती हूँ तो ये जो हिस्सा आएगा ना वो रेक्टेंगल की शेप में आएगा, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट करती हूँ तब वो दोनों फिगर ऊपर और नीचे का जो पार्ट रह जाएगा वो सर्कल की शेप में आएगा। ऐसे स्फीयर है, स्फीयर को अगर मैं वर्टिकल कट करती हूँ तब मेरी कौन सी फिगर आएगी, तब भी सर्कल आएगी, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट करती हूँ तब भी मेरी कौन सी फिगर आएगी, ये सर्कल की शेप में आएगी। और अगर हमने कोर को एक कट कर दिया, यहां से अगर मैंने कोन को कट कर दिया तो एक फिगर तो मेरी ट्रायंगल आ जाएगी वर्टिकल, दोनों साइड जो होंगी वो ट्रायंगल होंगी। और अगर मैंने इस तरह से कट कर दिया तो ये ऊपर तो हिस्सा ट्रायंगलर है और नीचे जो हिस्सा हमारा बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्कल की शेप। और एक ट्रायंगलर प्रिज्म जो है, अगर मैंने ट्रायंगलर प्रिज्म कट कर दिया है तो ये जो है दोनों ही फेस, अगर मैं वर्टिकल कट करूंगी तो ये रेक्टेंगल की शेप में रहेगा, और अगर मैंने इसे हॉरिजॉन्टल कट में किया तो ये क्या आ जाएगा, हमारा ट्रायंगल की शेप में आ जाएगा। और अगर हम किसी चीज की शेडो देखते हैं, ये तो मैंने बताया है कि बाय कटिंग और स्लाइसिंग, अगर हम किसी का विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स को अगर हम कट करते हैं बाय कटिंग और स्लाइस करने से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमें कौन सी शेप मिलती है, और अगर मैंने उसे बाय शेडो देखना है, अगर मैंने यही चीज की, ये जो मैंने अभी क्यूब बताया